हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग जो आपके हैं, किस तरह से जो आपके फॉर्म आ रहे हैं, तो फॉर्मों के आधार पर आपको कॉलेज किस तरह से मिलेगा, कितने फॉर्म आएंगे कितने नहीं आएंगे, और जो सीटें हैं उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि 2024-25 सेशन के लिए कितनी सीटें हैं उसके बारे में यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट है और खुशखबरी भी है, क्योंकि अगली बार सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहां से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित होगा, आपका जो भी है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के जो फॉर्म चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होगा कि अब की बार जो आपकी सीटों की जो संख्या है वो डबल कर दी गई। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, अब की बार आपकी जो सीटों की संख्या है वो भी ज़्यादा कर दी है। तो देख सकते हैं आप 229 से आपकी ये कॉलेज हैं, ठीक है ना, 229 आपकी कॉलेज हैं। तो यहाँ पर कॉलेज देख सकते हैं आप 229 है। प्रीवियस ईयर जो कॉलेज थी वो कम थी, इस बार की कॉलेज आपकी डबल हो गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी जो भी है यहाँ पर जो सीट है इसमें किस तरह से है किस तरह से नहीं है। तो सीटों के बारे में बात करें तो टोटल आपकी सीटों की संख्या है 30,970 सीटें हैं। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, पूरे इतिहास में आरपीएमसी के इतिहास में अब की बार पहली बार इतनी सीटें रही हैं, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये, आपने थंबनेल में देखा होगा कि हर बच्चे ने फॉर्म भरा है तो हर बच्चे को कॉलेज मिलेगा। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, जितने स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे इतनों को ही कॉलेज मिलेगा, क्योंकि सारे पहले की बात करें तो देखो, पहले आपकी बात की जाए कि पहले कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था, पहले स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था 16 से 17 हज़ार स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था आरपीएमसी के अंदर, ठीक है ना। 16-17 हज़ार स्टूडेंट के फॉर्म आए थे टोटल, ठीक है ना। और यहाँ पर सीट पहले कम थी, पहले सीटों की संख्या थी वो थी 7,000 सीट थी। तो आपको पता होगा काफ़ी विद्यार्थी वंचित रह गए थे, लेकिन अब की जो बार सीटों की संख्या है वो आपकी डबल हो गई है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आपको ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन इन सीटों को आप काउंट करोगे तो ये सारी की सारी सीट आपको 30,000 निकल के आएंगी। और आपको दिखा देते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो आप, राजस्थान पैरामेडिकल जो आपका कोर्स है करना अब हुआ महंगा हो गया है वैसे कोर्स आपका। पहले आपको हमने इसके ऊपर वीडियो बना दिया गया है, क्योंकि फीस आपकी बढ़ा दी गई है। फीस पहले 35,000 लगती थी, लेकिन अब फर्स्ट ईयर की 50,000 कर दी गई है और सेकंड ईयर की 55,000 कर दी गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं आप, 50,000 यहाँ पर 55,000 कर दी गई। उसके बाद में डिप्लोमा के लिए 30,970 सीट देख सकते हैं आप, खुद आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पर जो आपका डिप्लोमा है उसके लिए 30,970 सीटें, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सीटों की संख्या है। आप सभी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज, किसी को प्राइवेट किसी को गवर्नमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट तो खैर कमी विद्यार्थियों को मिलेगा, यानी 300 से 400 स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बाकी बच्चे कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो पैरामेडिकल कोर्स करना हुआ अब महंगा, और कुल फीस की आपकी 30% बढ़ गई है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपकी जो टोटल सीटों की संख्या है वो आपकी 30,970 इसमें दे रखी है। सारे के सारे जो कोर्स हैं उसमें आपकी सीटों की संख्या देख सकते हो आप। डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 970 सीटें हैं, ब्लड लैब टेक्नोलॉजी में आपकी 865 सीटें, और यहाँ पर देख सकते हो आप जो भी है कैथ लैब में आपकी 900 सीट है, और यहाँ पर ईसीजी में आपकी 3445 सीट है, ठीक है ना। ईजी में है आपकी 150 सीट है, एमरजेंसी ट्रोमा में है आपकी 500 सीट है, 125 ऑपरेशन थिएटर वाले में, ऑप्थेल्मोस्कोपिक वाले में है आपकी जो भी है यहाँ पर 4,500। उसके बाद में 1700 सीटें आपकी है ऑर्थोपेडिक वाले में। उसके बाद में बात करते हैं आपकी रेडिएशन वाले में 6,720। इस तरह से और भी आपकी सीटें हैं, इस तरह से आपकी जो सीटों की संख्या है वो 30,000 है। तो अब आपने जो फॉर्म भरा है तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि इतने फॉर्म नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो फॉर्मों की संख्या, मान लो इसमें आप फॉर्मों की जो संख्या है वो मान लो 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट मान लो, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर 35,000 भी फॉर्म जाते हैं तो 30,000 स्टूडेंट को तो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। 30,000 स्टूडेंट को तो कॉलेज मिल जाएगा। अगर 40,000 फॉर्म जाते हैं तो 30,000 को मिलेगा, 10,000 को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस, आप सभी विद्यार्थी सबको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है ज़्यादातर, ठीक है ना। बाकी आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलती है हम आपको रिप्लाई दे देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।